नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चोरों द्वारा आए दिन विद्यालय में दिए जा रहे चोरी के अंजाम। हांडिया के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरिपुर सिंधवार में आए दिन चोरी की घटना होती रही है। इंचार्ज प्रधान अध्यापक का कहना है कि अगले वर्ष भी विद्यालय में चोरी की घटना हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट हांडिया थाना में दे चुके हैं, लेकिन एक बार भी पुलिस देखने तक नहीं आई। इसीलिए चोरी की घटना की अंजाम चोरों द्वारा दिया जा रहा है। इस संबंध में 6 अगस्त 2019 को रात में गैस कटर से खिड़की को काटकर किताब व जूते मोजे के साथ बच्चों के लिए रखे खिलौने की भी कुख्यात बदमाश द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया, जिससे लोगों को दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन ग्राम प्रधान व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है, जिससे अध्यापक पूरी तरह से लगातार परेशान है। यदि प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो आगे कुछ भी घटना घटने की संभावना हो सकती है। मैं ये जो चोरी की घटना हुई है, ये कब हुई और कैसे हुई है? ये पहले तो 20 मार्च की समय की चोरी हुई थी। उसमें 2 पंखे, खेल के सामान, दरी और कुछ और आवश्यक फाड़ दिया और सामान लेके चले गए। और इससे पहले भी अक्टूबर में जब दिवाली की छुट्टी हुई थी 3 दिन के लिए, उस समय भी ये कक्ष में घुस के रॉड काट के अंदर से एग्जाम का सामान और थाली गिलास ये सब लेके चले गए। हाँ, की घटना आज जब सुबह मैं विद्यालय आई, मैंने देखा कि फैमिली का जो ऑफिस है उसमें आगे की छड़ काट करके लोग जूता, कुछ किताबें और कुछ बर्तन लेके चले गए। पूरी छड़ बहुत मजबूत थी, उन्होंने पता नहीं गैस कटर से काटा, किस विधि से काटा, लेकिन काट तो ले। कौन सी तारीख में कटा हुआ? ये आज की मतलब 6 की रात सुबह में, आज 7 तारीख की विद्यालय प्रसिद्ध थी, तो ये मुझे कटा हुआ मिला सारा सामान। अच्छा, इसकी सूचना आपने थाने पर कर दी है? अभी जो घटना हुई पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आज भी मेरे विद्यालय में ऑफिस चोरी हो गई।